आपका क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 184, 230 एंड 276। ठीक है, तो इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन वाले मेथड से निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको करेंगे, ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो वी विल गेट वन एचसीएफ। ठीक है, सेकंड ये नंबर है तो एचसीएफ और ये वाले नंबर का फिर एचसीएफ निकालेंगे, तो ये आपका एचसीएफ होगा, फाइनल एचसीएफ। तो दिस इज योर फाइनल एचसीएफ। ठीक है, तो जब हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो जब उसको हमको चेक करना होता है तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट, है ना। तो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो सेम चीज है, तो सपोज हमने पहले ये दो नंबर लिए, तो इसके अंदर जो बड़ा वाला नंबर है दैट इज योर ए, और जिससे डिवाइड करेंगे छोटा नंबर दैट इज योर बी, तो ऊपर आएगा क्वोशेंट, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है दैट इज क्यू, और नीचे क्या बच जाएगा हमारा रिमाइंडर दैट इज आर। तो ये जो मेथड है दिस इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये देखो 230 को 184 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 230, यहां लिखेंगे 184। ठीक है, देखो वन टाइम्स जा रहा है तो 184, तो कितना बच गया, यहां पर 6, यहां पर 4, है ना, तो 46 बच गया। अब 46 जो हमारा रिमाइंडर है इससे हमको डिवाइड करना है हमारे पुराने डिवाइजर को, दैट मीन्स ये वाला नंबर विल कम हियर 184। ठीक है, तो ये देखो कितने टाइम जा रहा है, 6 टाइम्स, तो हमने यहां पर लिख दिया 6, तो 4 टाइम्स जा रहा है, तो 4 6 24, 2 कैरी 16 17 18, तो 184 आ गया और आपका रिमाइंडर इज 0। जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है और जो हमारा मेन डिवाइजर था उस समय दैट इज योर एचसीएफ, तो दिस इज योर एचसीएफ, दैट मींस ये वाला एचसीएफ इज 46। ठीक है, 46 इज योर एचसीएफ। अब 46 और ये वाले नंबर दोनों को भी आपको ऐसे ही करना है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 276 अंदर आ गया, 46 विल कम आउट, डिवाइड करो तो वी कैन से इट्स 6 टाइम्स, तो ये 6 हो गया, तो 6 × 6 इज 36, 3 कैरी 24 प्लस 3 इज 27, तो देखो इक्वल आ गया, दैट मीन्स योर फाइनल एचसीएफ इज 46। ठीक है, अब ये दोनों को आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो फर्स्ट का देखो अप टू हियर इज फर्स्ट बार हमने जब डिवाइड किया यहां से यहां तक ही है, तो कितना है 230 इज इक्वल टू 184 इंटू 1 प्लस 46 इज द एलसी वो रिमाइंडर। फिर जब हमने सेकंड बार किया तो 184 हमारा ए बन गया, तो 184 इज इक्वल टू 46 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, तो यहां पर आपका दिस इज योर एचसीएफ। अब आपको ये भी लिखना है अलग से, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो इसका क्या हो जाएगा 276 That is equal to 46 into 6 plus 0.
है ना, तो दैट मीन्स दिस 46 इज योर फाइनल एसीएफ। तो आपको इसको इस तरह से करना है, ठीक है।